कार्यक्रम में हम अब शामिल कर रहे हैं बाजार के एक जानी मानी एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर की ज्वाइंट एमडी अमीषा वोरा जी को। अमीषा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबी से आवाज पर। क्या हो गया भारतीय बाजारों को आज? तो चलिए ठीक है, समझ में आता है कि सब ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, लेकिन दो दिनों से जो मिड कैप में स्मॉल कैप शेयर में इतनी तेजी हो रही है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? आई थिंक बारिश की वजह से मार्केट की ब्रेथ बहुत ही अच्छी हो गई है, और ऐसे भी मार्केट यू नो जनरली जहां पर डाउनसाइड थोड़ा प्रोटेक्टेड लगता है और मैक्रो थोड़े बराबर लगते हैं, थोड़े ऑर्डर्स, किसी को ऑर्डर्स आ गया है, किसी को कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, तो अक्रॉस जैसे शुगर में प्राइस बढ़ गई तो शुगर सेक्टर में थोड़ा सा जान आ गया, कॉटन में रुपी डेप्रिसिएशन या उसकी वजह से कोई ग्रोथ आ रहा है, किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल में पे कमीशन का इम्पैक्ट है या तो एक्सपेक्टेड है, लाइक दैट आई थिंक वेरी ब्रॉड बेस्ड रैली इज हैपनिंग एंड विच इज अ वेरी वेरी वो बहुत ही बढ़िया साइन है कि रैली ब्रॉड बेस्ड हो रही है। थोड़ी ऐसा नहीं है कि ओवर एंथुजियाज्म कंटिन्यू रहेगा, ऑफकोर्स उसमें थोड़े थोड़े पुल बैक डेज आते रहेंगे, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। बिल्कुल, तो काफी अच्छी तेजी इस वक्त हम मार्केट में होते हुए देख रहे हैं। ब्रॉड मार्केट जैसे कि आपने कहा, अच्छी मार्केट ब्रेथ के साथ ये तेजी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये मानना ठीक होगा कि ग्लोबल मार्केट्स ने ये जो उछाल दिखाई है पिछले एक डेढ़ दिन से, तो ब्रेक्जिट ग्लोबली डिस्काउंट हो गया और अब यूके या यूरोप के बाजार पे फिर झटका नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक चीज जरूर है कि जो ब्रेक्जिट इम्पैक्ट है वो दो साल तक स्प्रेड हुई है, तो उसको पकड़ के भी मार्केट बैठ नहीं सकता कि अभी ब्रेक्जिट हो गया, वर्ल्ड जीडीपी इज गोइंग टू गो डाउन, लेट्स जस्ट होल्ड बैक, सो इट्स गोइंग टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, नो डाउट अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम ये जो एक मूवमेंट चालू हुआ है, वेदर इट इज राइट नाउ ब्रेक्जिट एंड मे बी फॉलोड बाय अ फ्यू मोर वोट्स ग्रेग्जिट और एनी अदर कंट्रीज, वो मार्केट में बीच बीच में तनाव पैदा करते रहेंगे और वॉलिटिलिटी लाते रहेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अरे अमीषा जी, जैसा आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि तेजी हमारे घरेलू कारणों से हो रही है, तो फिर घरेलू कारणों में एक के बाद एक नई नई स्टोरी आ रही है, कुछ नौ सेक्टर्स में एफडीआई खोली गई, अब एक के बाद एक सेक्टर के लिए पॉलिसी आ रही है, जो हो चुका वो तो हो चुका, अब पैसा लगाने का मौका कहां बचा है? कौन सी वो सेक्टर्स हैं, वो स्टॉक्स हैं या वो पॉकेट्स आपको दिखती है या अब भी तेजी होना बाकी है? दो चीज शायद पॉसिबल दिख रही है। एक तो मुझे लग रहा है जिस तरह से गणित सब बैठ रहा है पोस्ट फ्यू स्टेट इलेक्शंस, कि जीएसटी पास होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तो काफी सारे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हाउस इंप्रूवमेंट पूरी इंडस्ट्री है, जहां पर प्लाईवुड हो कि लेमिनेट्स हो कि वो सब टाइल्स हो, वो सेक्टर में अभी भी 70-70% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है या 60% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो वो मार्केट्स में जीएसटी से अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ बहुत ज्यादा आ जाएगा। देर आर सर्टन वेरी गुड प्लेयर्स इन दैट, आई थिंक दे शुड स्टिल डू वेरी वेल। मुझे लगता है कि जो अभी मार्केट एक्सपीरियंस बता रहा है, एंड अगर इकोनॉमी उस तरह से पैन आउट हो जाएगी या तो हो सकती है, तो इन दैट केस जितना एनपीए प्रेशर पब्लिक सेक्टर बैंक ने ले लिया है शायद वो बॉटम आउट हो जाएंगे यहां से, एंड उनपे अभी भी इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर से जहां पर अभी भी फोकस चालू रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सम थिंग्स आर विचर जो अभी भी अच्छा ही कर रही है और वो थोड़ा ज्यादा और अच्छा करेगी, बट ये दोनों से बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी आ सकता है, जीएसटी लिंक्ड एंड इकोनॉमी लिंक्ड इम्प्रूवमेंट इन बैंक्स बैलेंस शीट, ये दो आ सकते हैं। तो बैंक्स में आपको क्या पसंद है? सी अभी तक हम लार्जली ऑल ऑफ द सेल साइड और बाय साइड काफी सारा हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर फोकस्ड रहे हैं, एंड सही भी रहे क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंटिन्यूअस डिटीरियोरेशन ही हुआ है प्राइस में, बट मुझे लगता है कि अगर ऐसा एक दो साल की इकोनॉमी थोड़े इंप्रूवमेंट मोड में जाती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने जिस बुरी तरह से एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेशन लिया है
उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फ्रंट लाइन में तो SBI ही सबसे ठीक लग रहा है, एंड मैनेजमेंट वाइज जहाँ पर मैक्सिमम एफर्ट एंड दिख रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो पब्लिक सेक्टर में ये दो में हम लोग ज्यादा बुलिश है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर हम कोटक यस सब में बहुत बुलिश है। ओके, लेकिन अमिशा जी आपसे इजाजत लें, उसके पहले एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरह से पे कमीशन की घोषणा हुई है और साथ में दुकानों और मॉल्स को 24 घंटे खुलने की इजाजत मिली है, तो आप देखिए मॉल यानी रिटेल कंपनीज में काफी तेजी है, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्सेस, क्या इस पूरे थीम पे आपको कुछ पसंद है? हम लोगों को PVR एज अ स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, और इवन इन मॉल साइड एंड अदर साइड इट इज नॉट ओनली बिकॉज 24 घंटा खुला रखने की परमिशन मिली है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मॉनसून एंड लिटिल इनकम इम्पैक्ट हम लोगों को वीमार्ट अच्छा लग रहा है। और पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है कि जैसे यंगर जनरेशन जो 16 to 25 या 16 to 30, 35 में है, उन्हें हमारे जनरेशन जैसा सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी सो वो गणित लागू नहीं होता है। आई थिंक दैट जनरेशन इज द वन विच इज मोस्ट एस्पिरेशनल, दे स्पेंड, ऑफकोर्स दे स्पेंड मोर ऑन नेट, बट दे ऑल्सो यूज द नाइट टाइम फॉर डूइंग दैट एक्टिविटी। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और मेरा ऐसा नहीं मानना है कि इससे खाली खर्चे बढ़ेंगे, इनकम नहीं बढ़ेगी। मुझे लगता है ये ट्रेंड सेट होने में टाइम लगेगा, बट इससे इनकम में जरूर फर्क पड़ेगा। अमीशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार तमाम सेक्टर्स और निवेश के मौकों पर हमें राय देने के लिए।